गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मैं सली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेस। आज मैं फिर से ले आया हूं आपके लिए कुछ ब्रिटिश और कुछ अमेरिकन वर्ड्स। लेकिन आज के कुछ ऐसे अमेरिकन वर्ड्स हैं जो आपको लगेगा कि ये तो ब्रिटिश में हम बोला करते थे, लेकिन नहीं, वो आपके मिसकंसेप्शन थी, वो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो अमेरिकन वर्ड्स हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आने वाले हैं जो हम ज़्यादातर अमेरिकन का ही यूज़ करते हैं, और ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश का कम यूज़ किया करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, चलो उन वर्ड्स को देखते हैं, जानते हैं। और बाकी के सभी वीडियोज में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को लेकर के, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं। बस इतना बता देता हूं कि भारत में दोनों देशों की इंग्लिश का प्रचलन है, और दोनों देशों की इंग्लिश की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम एक इंग्लिश के अच्छे ज्ञाता कहला सकते हैं या इंग्लिश के अच्छे जानकार कहला सकते हैं। तो इस साइड में मैंने जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं, ये सभी के सभी ब्रिटिशर्स वर्ड्स हैं, यानी ब्रिटिश के वर्ड्स हैं, यानी जो यूके में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इधर के जितने भी वर्ड्स मैंने दे रखे हैं वो अमेरिका में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी यूएस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यूएस को हम फुल फॉर्म के रूप में यूएसए भी बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब हम शब्दों को देखते हैं। मार्क्स जो हम कहते हैं ना, मार्क्स यानी अंक के लिए, उसका प्रयोग हम अमेरिकन इंग्लिश में ग्रेड के रूप में कहते हैं, यानी वो लोग मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो ग्रेड का यूज़ करते हैं, और हम सब मार्क्स का यूज़ करते हैं, ग्रेड का अमेरिकन लोग करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में ग्रेड कहते हैं। नंबर टू की बात करते हैं तो एम यू एम मम, मम मीन्स होता है खामोश रहना या मुँह बंद रखना। इस प्रकार से ब्रिटिश इंग्लिश के नज़रिए से या उसके एंगल से या उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एम यू एम का मतलब होता है मुँह बंद करना या मुँह बंद रखना, लेकिन यहाँ पर एम यू एम का मतलब है मॉम, यानी मम्मी को, माँ को हम एम यू एम मम कह सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ठीक इसे हम मॉम कहते हैं, और मॉम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, मॉम ज़्यादातर फेमस है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है? मॉम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और ये एक अमेरिकन वर्ड है। तो आपको जानकर ये हैरानी हुई होगी कि मॉम एक अमेरिकन वर्ड है जबकि मम ब्रिटिश है, और हम ज़्यादातर ब्रिटिश वर्ड का इस्तेमाल किया करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम मम का इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं जितना कि मॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम तीसरे वाले की बात करते हैं, डियर। यहाँ डियर का मतलब है महंगा। वैसे डियर का मतलब प्रिय भी होता है, प्यारा भी होता है ना, लेकिन यहाँ डियर का मतलब है महंगा, और महंगे को अमेरिका में लोग एक्सपेंसिव कहते हैं, और इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखोगे या उसके नज़रिए से या उसके एंगल से देखोगे तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा, यानी बहुमूल्य, जो बहुत ही कीमत अदा करके हम ले पाते हों या ख़रीद पाते हों उसको एक्सपेंसिव कहते हैं। लेकिन इस तरीके से नॉर्मली चलोगे तो एक्सपेंसिव एक अमेरिका का वर्ड है ना, यानी अमेरिकन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब महंगा होता है, और ब्रिटिश में डियर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर की बात करें, लेस, तो लेस मीन्स होता है लड़की, और अमेरिका में लड़की को हम गर्ल कहते हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल ही नहीं, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो मिश्रण होता है वो गाइज हुआ करता है। आपने सुना होगा पार्टियों में, संगठनों में, समारोहों में, है ना, हेलो गाइज, हाय गाइज, इस प्रकार से लोग संबोधित करते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स को एक बार में संबोधित करने के लिए आप गाइज बोल सकते हो, लेकिन ये जो लेस वर्ड है लड़की के लिए, ये अमेरिका में नहीं, ये ब्रिटिश में होना चाहिए, और अमेरिकन के लिए गर्ल होना चाहिए। लेकिन हम लोग किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं? हम तो गर्ल का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, और हमको लगता था कि ब्रिटिश वर्ड के रूप में इसको हम गर्ल कहते हैं। नहीं, गर्ल अमेरिकन वर्ड्स के रूप में ही हम कहते हैं। और लेस की बात करें तो हम लेस अमेरिकन इंग्लिश में नहीं बल्कि ब्रिटिश इंग्लिश में कहा करते हैं। और अगर ब्रिटिश इंग्लिश के नज़रिए से या उसके एंगल से लेस का मतलब आप निकालोगे तो लेस का मतलब होता है छोकरी। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लैड मीन्स छोकरा और लेस मीन्स छोकरी, लेकिन कहने का मतलब है कि बात वैसी है तो बतानी तो पड़ेगी। और ऐसे बुरी बात कौन सी है? छोकरा या छोकरी उसको कहते हैं जो अंडर एज को क्रॉस कर चुके रहते हैं, यानी जो बालिग हो चुके रहते हैं, उनको हम छोकरा या छोकरी कहते हैं। तो यहाँ लेस का मतलब है ओके ब्रिटिश इंग्लिश के नज़रिए से छोकरी, और नहीं तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम गर्ल कहते हैं, और यहाँ पर ये सिचुएशन या उम्र नहीं देखी जाती है। अब अगले वाले की बात करते हैं, किट, जिसको हम यूनिफॉर्म कहा करते थे या यूनिफॉर्म कहा करते हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म हुआ या फिर पुलिस यूनिफॉर्म हुआ या डिफेंस यूनिफॉर्म हुआ, जो कुछ भी है ना, उसी को आप किट बोल सकते हो, लेकिन उसको नहीं जो आप समझ रहे हो, जैसे कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म है, चाहे जो स्कूल वाले हैं, है ना, स्कूल वाले चल सकते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म होते हैं उसको आप यूनिफॉर्म ही बोलोगे, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो। लेकिन सिंपल तरीके के जो ड्रेसेस आते हैं लड़कियाँ जो खासकर पहना करती हैं या कुछ बच्चे भी पहना करते हैं, उनको हम किट कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में यूनिफॉर्म कहा करते हैं। अब अगले की बात करते हैं तो केयर टेकर, केयर टेकर का मतलब हो जाता है ध्यान रखने वाला, हिफाजत करने वाला, सुरक्षा करने वाले को केयर टेकर कहते हैं, और इसी को अमेरिका में लोग केयर टेकर नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं जेनिटर, उसको बोलते हैं जेनिटर। नेक्स्ट वाला वर्ड जो हमारा है वो है लू, लू मीन्स होता है शौचालय, लू मीन्स होता है स्नान घर, लेकिन अमेरिका में उसको बाथरूम कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि बाथरूम का मतलब होता है स्नान गृह, बाथरूम का मतलब शौचालय कब होता है, ब्रिटिश इंग्लिश को लेकर के इसको शौचालय माना जाता हो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बाथरूम का मतलब होता है स्नान गृह, यानी नहाने का जो कमरा होता है
जो जगह होती है उसको हम बाथरूम कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के नज़रिए से देखोगे तो बाथरूम का प्रयोग हम शौचालय के लिए भी करते हैं, लेकिन एल डबल ओ का प्रयोग हमें करना चाहिए बाथरूम के जगह पर। तो अमेरिकन इंग्लिश में बाथरूम और ब्रिटिश इंग्लिश में लू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, पेग। पेग मीन्स होता है खुट्टी, खुट्टी यानी पीन वीन वगैरह जो कुछ भी, या आलपीन वगैरह इस तरीके के जो होता है ना, उसे हम पेग कहते हैं। और पेग का मतलब तो खासकर खुट्टी होता है, खुट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर खुट्टी, खुट्टा वाला जो छोटा पॉइंट है ना, खुट्टा या खुट्टी का, उसके सेंस में बताया गया। जैसे कि दीवारों में कील ठोकते हैं, कांटियाँ ठोकते हैं, है ना, उसको आप ब्रिटिश में पेग बोलते हो और अमेरिकन वाले लोग उसको पिन बोलते हैं, PIN, पिन। अब बात करते हैं नाइन्थ वाले की, टिन। टिन मीन्स होता है डब्बा, डब्बी, डलिया इत्यादि, है ना, तो उसके लिए हम टिन का यूज़ करते हैं, या कनस्टर के लिए भी हम टिन का यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन वाले लोग यानी अमेरिका के निवासी जो होते हैं वो कैन का इस्तेमाल किया करते हैं, डब्बा या डब्बे के लिए या डलिया के लिए, है ना, वो कैन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कैन का अलग से मतलब होता है टीना। अब बात करते हैं सबसे अंतिम की, है ना, रबर। तो रबर कहने का मतलब है वही जो बच्चे पेंसिल से लिखने के बाद मिटाया करते हैं, इरेज किया करते हैं, रब किया करते हैं। रब मींस होता है मिटाना, और रब से बना है रबर यानी मिटाने वाला, तो मिटाने वाले को क्या कहते हैं, वही कहते हैं रबर कहते हैं। अब इसको अमेरिकन इंग्लिश में लोग कहते हैं इरेजर, क्योंकि इरेज का भी मतलब होता है मिटाना, ERASE, इरेज यानी मिटाना, उसमें आर लगा करके इसको बना दिया इरेजर यानी मिटाने वाला। तो इस प्रकार से रबर को आप ब्रिटिश में कहते हो और इरेजर को आप अमेरिकन इंग्लिश में कहते हो। इसमें अगर आपको कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हुई हो या कोई ऐसा पॉइंट को समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि आपने क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है आपका, और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको पक्का मैं आंसर दूंगा। अगर इन सभी वर्ड्स में अगर कहीं पर आपको कोई ऐसी दिक्कत आई हो या कोई ऐसा अर्थ मैंने छोड़ दिया हो या आपको लगता हो कि ये अर्थ भी होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो एंड एंजॉयफुल हो।